हे एवरीवन, आज हम बनाने वाले इंस्टेंट तिरंगा चीला। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। यह आप बच्चों के टिफिन में रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बनाकर दे सकते हैं। उन्हें ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार लगेगा खाने में। तो चलिए देखते हैं इस इंस्टेंट तिरंगा चीला को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले एक बड़े से बोल में डालेंगे 1 कप रवा यानी सूजी, आधा कप के करीब दही, आधा कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रवा अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब ढक्कन लगाकर इसे 20 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। और अगर आपके पास सुबह टाइम कम रहता है तो रात में ही आप ये प्रिपरेशन करके छोड़ सकते हैं। 20 मिनट हो गया है तो अब ढक्कन हटा लेंगे और इसे हम एक बार चला लेंगे। अब इसमें जाएगा एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसमें दूसरी सब्जियां भी डालकर इसे बना सकते हैं। प्याज अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी। इसे साइड रख लेंगे और लेंगे 3 बोल। अब तीनों बोल में रवा के बैटर को हमें इक्वल पोर्शन यानी बराबर बराबर बांट लेना है, तो इस तरह से बैटर को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। मैं यहाँ ड्राई फ्रूट कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी ये कलर्स अवेलेबल हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में दोनों तरह के फ्रूट कलर्स आते हैं। तिरंगा चीला बनाने के लिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब तो इसे साइड रख लेंगे और एक तवा या पैन अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर रखना है। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इसे थोड़े से रिफाइंड तेल या घी से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे। कुछ सेकेंड्स के लिए तेल को भी गर्म होने देते हैं। अब तवा के बीचों बीच डालेंगे ऑरेंज बैटर और हाथों को घुमाते हुए इसे गोलाकार दे देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें बैटर को फैला लेना है। अब चीला के ऊपर थोड़े से राई या काले सरसों को स्प्रिंकल कर लेंगे। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे राई का टेस्ट सूजी के चीले में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका यूज कर रही हूँ। इससे चीला का स्वाद बढ़ जाता है। चीला को 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब ऊपर से हल्का सा तेल डाल लेंगे और इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए पकने देंगे। दोनों तरफ से ये अच्छे से पक चुका है तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब फिर से थोड़ा तेल तवा पर ग्रीस कर लेंगे और इसमें डालेंगे दूसरे रंग का बैटर। इसे भी हल्के हाथों से चम्मच को घुमाते हुए हमें गोलाकार दे देना है। अब इसके ऊपर भी काले सरसों को स्प्रिंकल कर लेंगे। 2 से 3 मिनट पका लेंगे एक तरफ। 2 से 3 मिनट के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए पकने देंगे। दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक चुका है तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब तिरंगे का तीसरा कलर जो है ग्रीन, उससे भी एक चीला बना लेते हैं। तवा को तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब डालेंगे हरे रंग का बैटर। इसे भी हल्के हाथों से चम्मच को घुमाते हुए गोलाकार दे देंगे। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा काला सरसों या राई और इसे पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो ऊपर थोड़ा तेल डालकर इसे पलट लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी इसे सेक लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गया है, दोनों तरफ से चीला अच्छे से पक चुका है और तैयार है हमारा टेस्टी और कलरफुल तिरंगा चीला। अगर आपको मेरी ये तिरंगा चीला की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करते जाएं। थैंक यू, टेक केयर।